नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। लाल कुआं तहसील में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा। अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पांचवी विधानसभा के दूसरे सत्र में गोवंश संरक्षण कानून 2007 को निरस्त करने या गोवंश की कीमत निर्धारित कर सरकारी खरीद निश्चित करने तथा बिंदु खाता के भूमिहीन किसानों को मालिकान हक दिलाने के लिए राजस्व गांव बनाने का प्रस्ताव लाने, सभी दूध उत्पादकों को सस्ती दर पर भूसा उपलब्ध कराया जाए व उत्तराखंड की खेती और पशुपालन को रोजगार परक बनाने के लिए अधिकार संपन्न अनिवार्य चकबंदी लागू करने हेतु लाल कुआं तहसील में प्रदर्शन करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा गया। मांग पत्र की प्रतिलिपि विधानसभा सत्र में मांग उठाने के लिए लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक को भी भेजी गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान महासभा के उत्तराखंड राज्य उपाध्यक्ष बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि उत्तराखंड में आने वाली सभी सरकारों द्वारा आम जनजीवन को प्रभावित करने वाली जन विरोधी नीतियों को ही विस्तार दिया है, इसलिए उत्तराखंड का किसान और आम जन तबाह होने को मजबूर है। इसलिए जनपक्षीय नीतियां बनाना और उत्तराखंड किसान बहुल आबादी वाली जनसंख्या को राहत पहुंचाना राज्य सरकार का पहला मकसद होना चाहिए, लेकिन इसका ठीक विपरीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर उत्तराखंड राज्य के किसानों, पशुपालकों और आमजन के हितों को सर्वोपरि मानते हुए पांचवी विधानसभा के 14 जून से चलने वाले दूसरे सत्र में भी यदि आवारा पशुओं की समस्या, राजस्व गांव निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने, सभी दूध उत्पादकों को सस्ती दर पर भूसा उपलब्ध कराने जैसे सवालों के समाधान की दिशा में आगे नहीं बढ़ती तो अखिल भारतीय किसान महासभा को यहाँ जनता के हित में व्यापक जन आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। भाकपा जिला सचिव डॉक्टर कैलाश पांडे ने कहा कि जनता से वादा खिलाफी करना भाजपा सरकार की पहचान बन चुकी है। बिंदुखाता वासियों से किया गया राजस्व गांव का वादा हो या आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाने का सवाल, हर मुद्दे हर सवाल का भाजपा ने मजाक बनाकर रख दिया है, लेकिन अब फसलों को नष्ट कर रहे आवारा पशुओं के मामले में किसानों का धैर्य चुकता जा रहा है। इसलिए सरकार तत्काल इसका समाधान करे और पहले से ये परेशानी सभी दूध उत्पादकों को सस्ती दर पर भूसा उपलब्ध कराया जाए। गौरतलब है कि अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा 28 मार्च 2022 को भी इन सवालों पर 29 मार्च 2022 से चले पांचवी विधानसभा के प्रथम सत्र में ज्ञापित किया गया था, परंतु ना तो राज्य सरकार ना ही लालकुआ विधायक द्वारा कोई संज्ञान लिया गया, जो कि सरकार की जनता के मुद्दों के समाधान के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। प्रदर्शन में बहादुर सिंह जंगी, विमला रोथाण, डॉक्टर कैलाश पांडे, किशन बगरी, ललित जोशी, पुष्कर डुबरिया, गोपाल सिंह अधिकारी, हीरा सिंह नेगी, गोपाल गढ़िया, दीवान सिंह बिष्ट, सौम्य भट्ट, हिमांशु बिष्ट आदि शामिल रहे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।